day and ask you how it is. Why are you being cruel when we could? देखिए राजा भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजा भाई से बहुत हमारा प्यार है और राजा भाई ने मुझे बोला था कि करण भाई कुछ ऐसा सॉन्ग हमने करना है क्योंकि हमारी कंपनी KTR ओरिजिनल्स का फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब कुछ फर्स्ट सॉन्ग में ही कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसी बात हो कि लोग अट्रैक्ट हों, एंगेज हों हमारी कंपनी में। मैं ठीक है राजा भाई, कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ बढ़िया कुछ कंटेंट बनाते हैं साथ में। तो सबसे पहले तो मतलब मेन तो यही है राजा भाई, जिन्होंने ये सब स्टार्ट करवाया और हमसे ऐसा गाना निकलवाया। म्यूजिक एल्बम में जिस तरह म्यूजिक चाहिए था, जो आपने हीरा ये सब निकाला, कितना टाइम लगे बनाने में? मुझे सर ये गाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अभी मैं बोलता हूँ, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे स्टूडियो में और मेरे भाई बड़े भाई और इसे प्लानिंग करते करते माइंड में कैसे आ गया यार, हम लोग इसे करते हैं। और ये जितना अच्छा गाना बना है उतना अच्छा अल्तमश फरीदी ने गाया है। सिंगिंग बहुत अच्छा उन्होंने किया है, अल्तमश फरीदी ने बहुत अच्छा गाया है। दिल्ली में है, उनका इवेंट है इसलिए वो नहीं आए, नहीं तो वो भी आते थे, तो हम लोग उनको मिस कर रहे हैं आज। और बाकी जुबेर खान, उज्ज्वल शर्मा और प्रिया शुक्ला ने बहुत अच्छा काम किया है। ये डायरेक्टर जो हमारे हैं अनिल जी, रवि शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, पूरी टीम का बहुत अच्छा। सर ये तो जब हम गाना बनाने जाते हैं कहते ना कि बनाया नहीं जाता गाना बन जाता है, तो वो वैसा ही है। फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं रवि जी, तो उन्होंने उसमें थॉट सोचा कि नहीं इसको ऐसे ऐसे गाने को वीडियो कर सकते। नहीं, हमारा पूरा फोकस उन पे ही था क्योंकि ये सॉन्ग जो था ऐसा जोन है कि उसमें हमें पता था कि अल्तमश भाई की वॉइस ही ज़्यादा बेटर रहेगी। मुझे राजा भाई ने बोला था कि और भी सिंगर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जो कहते हैं कि जो कंपोजर और लिरिसिस्ट सॉन्ग सोचते हैं तो उनको माइंड में रहता है कि नहीं हम किस सिंगर के साथ करें इसको, तो अल्तमश भाई जो थे परफेक्ट थे हमारे लिए इस गाने के। और जिस महफिल में तेरा जिक्र हुआ उस महफिल से उठ जाएंगे, जिस महफिल में तेरा जिक्र हुआ उस महफिल से उठ जाएंगे। क्या बात है, सुंदर सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी सारे आपके एक्साइटमेंट है गाना सुनने के बाद, किस तरह के आपको लग रहा है आगे तक जाएगा? एक्चुअली गाना जो है आज को रिलेट करता है, आज बोली बोले जी, आप सबने गाना सुना होगा तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और जो आज की यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं वो इस गाने में अपने आप को रिलेट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल फेस है, तो इस गाने में ड्यूअल फेस को दिखाया है कि एक व्यक्ति के कितने फेस है, वो किस तरह से प्यार में धोखा भी देता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी को सच्चा प्यार भी मिलता है। तो इस गाने में हमें ड्यूअल फेस दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की दो लोगों को चीट कर रही है और ऐसा हो रहा है, बट डोंट थिंक अबाउट कि लड़की ही करती है, लड़के भी करते हैं, पर इस एल्बम में ये दिखाया गया कि एक लड़की कर रही है। और गाना बहुत अच्छा है नो डाउट, और मैं चाहूँगी कि आप सब इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बाकी आप सब खुद देखें तो मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगा। इसका हुक लाइन काफ़ी अच्छे है, तो एग्जैक्टली हाँ श्योर। मैं अभी तो आज मैंने गाना सुना है और मैं चाहूँगी कि आप मेरे इंस्टा पे जाके इस रील को भी देखें, मैं बिल्कुल बनाऊँगी। और मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका इतनी सारे प्यार मिल रहा है गाने का हुक लाइन खास तौर पे, तो आप क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस को इस गाने के लिए? हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया इस पे और अच्छा बनाने का हम लोगों को कोशिश किए हैं, और अच्छी बात है सर, अच्छा कंटेंट, अच्छा चीज़ें गाना बहुत ही अच्छा बना है। और ये जो KTR म्यूज़िक है, जो KTR ओरिजिनल कंपनी है हमारा, राजा भाई का जो राजा फिरोज जी हैं प्रोड्यूसर, इनका खुद का CMS भी है और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं कंपनी के, और एक नहीं कई सारे चैनल हैं जिनके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। और आगे मतलब ये KTR ओरिजिनल जो है और KTR से रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं ये
बहुत ही बॉलीवुड में धमाका मचाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर जाने वाले हैं। अरुण जी गाने आते हैं कितने कहीं चले जाते हैं, किस गाने का प्लान जो है दिलों में समा जाने वाले हैं। जैसे उन्होंने बताया मैम ने कि एक आदमी दो चेहरा दिखाएगा, हो सकता है पर्सनल लाइफ में सबके दो चेहरा है, हकीकत आपने दिखाई तो आप हकीकत सामने रख रहे हैं, कितने प्यार मिलेगा, सोचा कितने प्यार मिलेगा। देखिए इस गाने में जो भी इन्होंने दिखाया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो आज जो चल रहा है, आज की जो जनरेशन है और आजकल जो प्यार मोहब्बत के किस्से चल रहे हैं, जो आजकल की कहानियाँ होती हैं, उसी को दिखाया गया। और अगला गाना एक और है हमारा, डील एंटरटेनमेंट कंपनी का है, हमारे अजहर अली जी हैं जो प्रोड्यूसर है उसके, तो उसका भी टीजर यहाँ दिखाया जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा बना है और उसका टेस्ट बिल्कुल इस गाने से अलग है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पब्लिक को दें। हिंदी गाने और भी कुछ है, हिंदी कला वेब सीरीज भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? एक मेरी मूवी है जो हम लोग कर रहे हैं, देहरादून में शूट कर रहे हैं और मई के वही फर्स्ट वीक में हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मूवी वो भी है। हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे टाइटल से भी, लेकिन हम लोग करेंगे बहुत जल्दी मीडिया के सामने और हम लोग उसको बताएंगे। हाँ स्टार कास्ट हमने फाइनल किया है तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन करना चाहते हैं हम बताएंगे थोड़ा सा, मतलब सरप्राइजिंग हो लोगों के लिए, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें बता देते तो प्लेस रहता नहीं। कुछ आपके लिए हिडन होना चाहिए तभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। देखिए KTR डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये इसका ओरिजिनल पे जो है वो ये गाना रिलीज हो रहा है और इसके बाद फिर डील एंटरटेनमेंट कंपनी का अगला गाना है और बहुत ही रोमांटिक के साथ सॉन्ग KTR के साथ में कंपनी और है डील करके, तो सेकंड गाना हम लोग जो है वो भी कर रहे हैं साथ में और काफ़ी अच्छा सॉन्ग वो भी है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इधरी हैं, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आई हमारे सब आ रहे हैं तो वो, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है एंड होप ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। आई एम श्योर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये गाना एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, तो आई एम श्योर सभी को अच्छा आएगा। तो प्लीज़ ये गाना सब लोग देखें और जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता है, जिस तरह के गाना आपने देखे, आपने रिएक्शन देखा काफ़ी मैं थी, एक लड़की दो आदमी को धोखा दे रहा है ना, अब गाने में इस तरह की लोग गाड़ी में घुमनाए रोड पर घुमनाए घुमाए, आपको लगा इस गाने में आपको घुमना चाहिए गाना बहुत अच्छा लगा, इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है और एक लड़की दो लड़कों के साथ ऐसा कर रही है तो वो जानने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा गाना। जैसा कि इन्होंने बोला गाना सबको बहुत पसंद आएगा। सर सर प्यार मिले महफिल को, क्या बोलना चाहते हैं सर? प्यार मिले, इन्होंने सही बोला, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने बनाया है और जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में तो उसको देख के हम लोगों ने म्यूजिक कंटेंट बनाया है इसको, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा है गाने चलेगा सॉन्ग चलेगा। और कॉन्सेप्ट काफ़ी हटके है, कैसे आप लोगों ने सोचा, कैसे आपको बनाए इस पर स्टोरी बनाई जाए, कैसे आप लोगों ने सोचा? अरे हम लोगों ने प्लानिंग कर रहे थे म्यूजिक वीडियोस का, तो लगा इसे और हमारे डायरेक्टर भी थे रवि भाई, तो लगा है राजा हम लोग इसे मिलके करते हैं, तो एक दिन को हम लोग प्लानिंग की और मैक्सिमम दो तीन दिन के अंदर हम लोग शूट भी कर दिया इसको। कहाँ शूट हुआ, कितना मतलब लगा आपको शूट करने में? हम लोगों को मैक्सिमम दो तीन दिन लगा शूट करने में, हम लोग इधर मुंबई में किए थे और काफ़ी अच्छा, मतलब एक माइंड में कैसे प्लानिंग किसे बनी ना, जो यार काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और अल्टीमेट खरीदी ने इसको सिंगिंग किया है और आप तो सुनिए हमने गाने कितना बुक लाइन कितना अच्छा था कि इतने सारे प्यार मिलेगा, इतनी सारी प्यार मिलेगा, हर युवा पीढ़ी के दिल में छा जाएगा कि दूसरे को धोखा जो देते हैं वो धोखा देने से बच जाए। अब तो प्रॉपर देखो भाई, तो जो चल रहा प्रेजेंट टाइम वही है, उसी के हिसाब से सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा है और चलेगा, जहाँ तक इसका हुक लाइन हम लोगों ने लिया है ना तो वो ट्रेंड करेगा और हम काफ़ी हम लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं। आप लोग रील बनाएंगे लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, इतना अच्छा गाना है। टाइम से स्टार्ट किया रहेंगे हम, उम्मीद करते हैं स्टार्ट कर रील बनाने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस का सर? जो कॉन्सेप्ट है जो ऑडियंस देखेगी जो सुनेगी खुद ही नहीं को लगेगा भाई क्या, लेकिन अच्छा है तुम लोगों जो बनाया है ना। कहाँ देखने को मिलेगा गाना, किस साइट? मैक्सिमम यूट्यूब पे मिलेगा आपको और जितनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड वाइड जितनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको इस म्यूजिक कंटेंट और मैक्सिमम दो से तीन महीने बाद आपको ना जो भी सेटेलाइट चैनल्स हैं म्यूजिक की उस पर भी आपको मिलेगा। KTR ओरिजिनल्स करके चैनल्स है कंपनी का। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो उसके चेहरे वाले बताएंगे कैसे कास्ट किया गया एल्बम को। और कास्टिंग को सोचे भी नहीं थे हम लोग इसे, एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, प्लानिंग किए और सबको बोला, फिर और एक दिन हम लोग कर दिए, काफ़ी अच्छा उन्होंने कास्टिंग भी किया। तो आने अच्छा। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो? एक मोहब्बत करके और है मेरा, एक म्यूजिक वीडियोज है, तभी उसका भी टीजर और हम लोग कमिंग शो करके लॉन्च करेंगे, तो और हम लोग को मई के फर्स्ट वीक में जो है ना हम उसको रिलीज करेंगे। बाकी पूरी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारी टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया हमको और हमारे साथ है और हम लोग बैक टू बैक हम लोग काम कर रहे हैं अपने चस्का, एक मेरा OTT ऐप भी है उसके लिए भी और हमारे म्यूजिक लेवल से भी है। जैसे कि चस्का OTT उस पे क्या वेब सीरीज भी, वेब सीरीज है उस पे और साउथ की मूवीज है हिंदी डब करके और हमारे पास कुछ हॉलीवुड की कुछ मूवीज हम उसको चलाएंगे और अपना हम लोग वेब सीरीज जो अच्छी वेब सीरीज है ना हम लोग उसको बना के रिलीज करेंगे चलाएंगे अपने ऐप। सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर्स का, राजा भाई का, राजा भाई मेरी प्रिया मेरी को अच्छा जिन्होंने इतना प्यार तरीके से अच्छे से शूट किया मेरे साथ में एंड इतना प्यार मिल रहा है कि गलता बहुत प्यारी आवाज़ है। उसके अलावा आई गेस माही भाई का बहुत प्यारा सॉन्ग है एंड बहुत ही अच्छे से कंपोज किया हुआ है, तो आई गेस व्हेन आई वाज शूटिंग द सॉन्ग द वीडियो आई वाज जस्ट फीलिंग इट एंड मुझे एक्चुअली परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप एज एन एक्टर फील करते हैं तो बहुत अच्छे से उसका आउटकम आता है। आई एम श्योर प्रिया के साथ में भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। मैं भी पूरे में शूट कर रहा था, सुबह सुबह 3 बजे आया और अभी कितने मुश्किल मैनेज किया मुझे भी पता है, बट येस आई एम हैप्पी एंड आई गेस द सॉन्ग विल वर्क फॉर अस फॉर राजा भाई फॉर द कंपनी विच हैज इंट्रोड्यूस एंड लॉन्च्ड इट एंड इंशाल्लाह मैं और भी ज़्यादा एसोसिएट करना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा काम करूँगा। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं? बस यही कि जैसे अभी दे रहे हैं वैसे आगे भी दो, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, क्योंकि जैसे जुबेर जी ने बोला कि हम लोग ने बहुत इसको फील किया है तो बाकी पब्लिक को भी वही फील होना चाहिए क्योंकि ये रियल और शायद रियल दोनों है। किस तरह का आप लोगों का बॉन्डिंग रहा ऑन सेट लोकेशन? बहुत ही अच्छा, बहुत परेशान किया मत डबल चेहरा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, सेम के हिसाब से थोड़े थे परेशान करना था आई गेस शी इज रियली ट्रेन एक्टर और जितना जितनी खूबसूरत हैं उतनी ज्यादा खूबसूरती उन्होंने अपनी अदाकारी भी की है और उसके अलावा उज्जवल इज ऑल्सो वेरी गुड। तो जब क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया था, बहुत होमवर्क किया था हम लोग, तो आई गेस जब आप ट्रेन होके जाते हो और जब आप कुछ परफॉर्मेंस देते हो तो आई एम श्योर वो प्रोडक्ट अच्छे ही बनते हैं। कुछ विशेष देना चाहते हैं? देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना मुझे प्यार टीवी में मिला है, फिल्म में मिल रहा है, अदर सॉन्ग्स में मिल रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर बहुत सारी चीज़ें मेरी चल रही है, तो जितना प्यार मुझे पर्सनली एक आई गेस एक रील पे मिल जाता है तो उससे ज़्यादा प्यार मुझे इस गाने में चाहिए, क्योंकि गाना बहुत बहुत खूबसूरत है एंड आई रियली फेल्ट इट एंड आई लव इट एंड आई लव परफॉर्मिंग ऑन सॉन्ग। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हर जगह इतनी शिद्दत के साथ में काम करूँ और इतने प्यार इतने ज़्यादा सपोर्ट मेरे लोगों को मिले, जितना अभी तक सपोर्ट मिला है इस गाने को भी सपोर्ट दें और इतना प्यार दें और कोशिश ये करें कि ये जो कंपनी है जो कोई एक इंसान ट्रस्ट करके एक खड़ा करने की कोशिश करता है अपना लेबल अपनी कंपनी अपना प्रोडक्शन हाउस उसको सपोर्ट कीजिए एंड प्यार दीजिए। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ द मैन। थैंक यू सर, थैंक यू।